कलकत्ता जितना पुराना बिल्डिंगों के लिए जाना जाता है उतना ही पुराना यहाँ के कल्चर। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का। हमारा कोलकाता सीरीज चल रहा है और ये कोलकाता सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको दिखलाना चाहते हैं पहले देश की राजधानी था तो जिस तरह से विकास किया अंग्रेज़ों के ज़माना से उसी टाइम से। आपको एक चीज़ चलता है जो कुछ दिन पहले हम ट्राम का वीडियो दिखाए थे, वो ट्राम के साथ जब ट्राम स्टार्ट हुआ था उससे पहले से ही अंग्रेज़ों के ज़माने से इस तरह से रिक्शा चलता है। तो गाइज ये रिक्शा है जो आमतौर पे जो बाकी शहरों में देखते हैं रिक्शा उसमें आपका पैडल लगा हुआ होता है नॉर्मल, उस तरह का जो ठेला जा रहा है सामने उस तरह के रिक्शा हुआ करता है, मगर ये वो रिक्शा है जिसमें आपको आदमी खींच कर ले जाता है। तो सोच लीजिए कि इतना कोलकाता में डेवलपमेंट हो गया, सब चीज़ हो गया, मगर अभी भी ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। अब इतिहास को मतलब संवार कर रखने के लिए या कुछ और वजह हो, यहाँ के लोग हैं जो कमाते हैं। और इस रिक्शे की बात करेंगे जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है, इसका नंबर हुआ करता है। नंबर कितना है भैया इसका रिक्शे का? तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है 3465 है रिक्शा नंबर, और इसका लाइसेंस लिया हुआ रहता है। सोचिए ये चीज़ मतलब फैक्ट आप लोग जानते थे क्या? अगर नहीं जानते थे तो बता सकते हैं कमेंट में करके कि हाँ सच में नहीं जानते थे। किस रिक्शे का लाइसेंस होता है? हमको लगा कोई आदमी होगा मतलब पहले रिक्शा बना उस तरह से ये चलाता है लोग, अब हाथ से ही खींच कर ले जाता है। तो लगभग इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ बातें कि कलकत्ता में कब से चल रहा है रिक्शा ये वाला। ब्रिटिश के राज था तभी, ब्रिटिश के राज से ही। और आप अभी भी इसको चला रहे हैं तो डेली सवारी आपको मिलता है? डेली सवारी मिलता है। तो गाइस मतलब डेली सवारी मिलता है और काफ़ी मगर भार पड़ता होगा भैया, जो मान लीजिए एक पैडल से चलता है एक ऐसे चलता है जिसमें मतलब काफ़ी भार पड़ता होगा। भार पड़ेगा या भार ना पड़ेगा तो होगा? बिना मेहनत के कुछ थोड़े होता है। सही बात है, बिना मेहनत के तो नहीं कुछ होता है। बटियागिरी करता है उसमें भी माल लगता है तो माथा पर उठा कर ले जाता है। हाँ इतना भी हम तो जीत के लेकर चले जाते हैं। सही बात है, सब कुछ का बजट मिला। तो जैसे ये आमतौर पे वो रिक्शा नहीं है जो कोई भी खरीद सकता, इसको खरीदने के लिए कोई एक ऐसा ही मालिक है जो खरीद के रखा हुआ है और लोगों से चलवाता है? अच्छा, तो ये लाइसेंस उस टाइम मतलब किन किन व्यक्तियों को मिलता था? जो भी धनी मनी व्यक्ति होते होंगे, मान लीजिए कि जो उस तरह के कोई था वही लोग चलते थे। आज का थोड़ा ना, बहुत दिन पहले का जब जमाना का दिया हुआ है। तो गाइस ये कोलकाता का वही रिक्शा है जो कि इतने ज़माने के बाद भी आज तक ये चलता है। इसको हम पूरा दिखाना चाहते हैं आपको, और कोलकाता में यही चीज़ हमको यूनिक लग रहा था कि आज भी देख लीजिए ये लिखा हुआ है 3465 ये नंबर है इसका। कहाँ कहाँ मतलब बताएं एरिया? भवानीपुर, कालीघाट, हजरा मोड़। अभी भी ये रिक्शा चलता है। तो गाइज ये आपको बता दें कि अगर इस तरह रिक्शे की सवारी आपको करना है आज के युग में भी जो ब्रिटिश शासन काल से ही चला आ रहा है रिक्शा ये, तो आप जो जो भी मतलब जगह का नाम बताए हैं कालीघाट, भवानीपुर और ये बड़ा बाज़ार, बड़ा बाज़ार में देख सकते हैं ये अभी। ये बड़ा बाज़ार में कौन सा स्ट्रीट बताए थे? कलाकार स्ट्रीट। तो ये बड़ा बाज़ार में कलाकार स्ट्रीट के पास इस तरह का रिक्शा मिल जाएगा जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर उस समय का मतलब जीवन जीना चाहते हैं तो, कि अंग्रेज़ों के समय पे जीवन कैसा होता था एक भारतीय के लिए और किस तरह के यातायात के साधन हुआ करता था। तो यातायात के साधन में यही चीज़ था जो कि अभी देख रहे हैं हमारे सामने है। और ये काफ़ी पुराना रिक्शा है तो इसलिए हम आज वीडियो भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को बनाएं कि कोलकाता का इस तरह का जीवन भी आपको दिखा सके। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर से एक अगले पड़ाव में, अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए बाय।